देश के जाने माने यूट्यूबर विवेक बिंद्रा के खिलाफ मारपीट के मामले में नोएडा के सेक्टर 126 थाने में केस दर्ज हो गया है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी है और बताया है कि उनकी पत्नी यानिका के भाई वैभव क्वात्रा ने इस मामले में शिकायत करी है। शिकायत के अनुसार बिंद्रा ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की है, जिसके परिणाम स्वरूप यानिका को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें दिल्ली के निजी अस्पताल में चिकित्सा उपचार के लिए भेज दिया गया है। इस घटना का स्थान सुपरनोवा वेस्ट रेजिडेंसी सेक्टर 94 नोएडा में है, जहां बिंद्रा रहते हैं। 7 दिसंबर की सुबह बिंद्रा और उनकी मां प्रभा के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस मामले में उनकी पत्नी यानिका भी बचाव करने के लिए आई, लेकिन बिंद्रा ने उस पर हमला कर दिया। ये मारपीट इतनी ज्यादा हो गई कि यानिका गंभीर रूप से घायल हो गई और उन्हें दिल्ली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। FIR के अनुसार बिंद्रा ने कथित तौर पर यानिका को एक कमरे में ले जाकर उससे मारपीट की है। ऐसा आरोप है कि विवेक ने मारपीट के दौरान यानिका के कान का पर्दा फाड़ दिया। क्या क्या है पूरा दिखा के जरा। फेस पे ये आईज पे है या आम पे कट है? और ये दोनों नील है हाथों पे। हाथों पे ये नील है। यार पैर पे भी नील आया था। स्वेलिंग 3 को दवाइयां दे रखी हुई हैं। और इसके अलावा एक खाई में दिखा सकते दिखाना पड़ेगा। सिस्टर को दिखा दो। प्रॉपर नहीं होती कोई बात नहीं, अगर नील आ रहा है तो दिखाओ। रुक जाओ रुक जाओ। कटिंग कर देंगे ना वहाँ से, लोअर काट देंगे। स्वेलिंग से कोई बात नहीं, वहाँ से लोअर फाड़ देंगे।